सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, आई एम डॉक्टर चेष्टा गौतम और आज हम इस वीडियो में मर्फीज साइन के बारे में जानने वाले हैं। गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट सिस्टम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। मर्फीज साइन एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन में मिलता है। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में जो गॉल स्टोन होता है वो जब सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर देता है तब क्या होता है, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ये एक घंटे के भीतर ये इन्फ्लामेशन हो जाती है और इसमें सीवियर पेन होता है। इस कंडीशन को एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब होता है गॉल ब्लैडर में सूजन होना या इन्फ्लामेशन होना। इस कंडीशन में एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में एक्सक्यूजिटली टेंडर पेन मिलता है। इसका मतलब होता है कि जब आप टच करते हैं उस समय बहुत ही तेज सीवियर पेन होता है, शार्प लोकलाइज्ड पेन होता है। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन में राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन और टेंडरनेस मिलती है। कई बार इसमें फीवर, बुखार, चिल्स, कपकपी, नोजिया एंड वॉमिटिंग, जी घबराना, उल्टी आना, ये भी सिम्टम्स मिल सकते हैं। मर्फीज साइन कैसे पता करें, तो सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है। पेशेंट को गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है, डीप ब्रेथ के लिए कहा जाता है। इसी दौरान राइट सबकॉस्टल एरिए पर हमको पल्पेट करना है। पेशेंट के डीप ब्रेथ लेने के साथ साथ और हम जब पल्पेट करते हैं तब क्या होता है कि गॉल ब्लैडर धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, हमारे हाथ की तरफ आता है। जैसे ही हमारा हाथ जिस हाथ से हम पल्पेट कर रहे हैं वहाँ पर गॉल ब्लैडर टच करता है, वैसे बहुत सीवियर पेन पेशेंट को होता है, जिसके कारण वो हाँफते हुए सांस को छोड़ते हुए डीप ब्रेथ लेना बंद कर देता है तुरंत। ये पॉजिटिव मर्फी साइन को दर्शाता है। ये साइन क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन में नहीं मिलता और अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ गॉल स्टोन की कंडीशन में नहीं मिलता है। इस तरह आज हमने मर्फी साइन को जान लिया है। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।